सबसे पहले डराना होता ना वो खून के छीटे बढ़ने से स्टार्ट होता है। मेरे बेड पे खून के छीटे मेरे टॉवल पे खून के छीटे जो शुरू हुए क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉग हैं और आप इन चीज़ों के दबाव में नहीं आते तो यकीन माने जादू का असर भी नहीं काम करता mm. आयतल कुर्सी इतनी ताकतवर चीज़ है मैं आपको बयान ही कर सकती मेरी ज़िंदगी के ऐसे हज़ारा वाक़ हैं वट इज़ फर्स्ट थिंग यू शुड डू देखिए सबसे पहले जो आपको करना चाहिए ना कि एक तो आप मैक्सिमम कोशिश करें आप बावजूद रहें कपड़ों के ऊपर खून के छींटे हाँ। और सारा कुछ ये, ये खून के छींटे तो बहुत कटे, कटा हुआ कपड़ा कट गया फट गया पूरे, पूरे 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 पैचेस, पैचेस और इसमें खून के धब्बों का तो ऐसा है कि पहला जो काले मैजिक से इफ्तदा और आपको जो सबसे पहले डराना होता है ना वो खून के छींटे बढ़ने से स्टार्ट होता है और उसमें आपके घरों पे आपके बेड पे और रिश्ता ना दें किसी को एक बार मेरे साथ हुआ मैं मेरी जब मेरे रिश्ते-विश्ते आते थे तो पेरेंट्स को हक है वो जिसको रिफ्यूज़ करे हाँ, रखें हाँ, हाँ। एक रिश्ता हमने कई बार आया कई बार रिफ्यूज़ किया क्योंकि कोई मैच नहीं था हाँ। और अल्लाह ने जहाँ लिखा so होता है हाँ। हाँ जो भी है। था हाँ जी। अब क्या हुआ जनाब मैं मेरे बेड पे खून के छीटे मेरे टॉवल पे खून के छीटे जो शुरू हुए फिर उस टाइम हमारे एक बुज़ुर्ग थे बहुत ही नेक उनको बताया उन्होंने फ़ौर मुझे पूरा उनको मेरे अबू को बता दिया कि ये लोग रिश्ते के लिए आए हैं ये 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 लोग हैं और ये बच्ची को ये आप लोगों को डरा के धमका के साइड पर लाएंगे बहरहाल वो पढ़ने का कलाम ये वो सारा कुछ करके ना अलमदिल्ला हम उससे डरे ना घबराए कुछ भी नहीं कोई हमारा बिगाड़ सका क्योंकि अगर आप स्परिचुअली स्ट्रांग हैं और आप इन चीज़ों के दबाव में नहीं आते तो यकीन माने जादू का असर भी नहीं काम करता क्योंकि आपका फेथ लेवल ये होना चाहिए तो वो हमारा फेथ लेवल वो नहीं बात वही वो बात है कि हम अगर अपने अल्लाह पे बिलीव रखे अगर हम स्पिरिचुअली गए तो मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है मारने वाले से बचाने वाला बचाने बहुत बड़ा, वाला है। बड़ा है मुझे कुछ नहीं होता आयतल कुर्सी इतनी ताकतवर चीज़ है मैं आपको बत, बयान नहीं कर सकती मेरी ज़िंदगी के ऐसे हज़ार हज़ारा वाक़ हैं जिसमें मैं आयतल कुर्सी पढ़ने की क्योंकि बाहर घर से निकलूँ जब भी तो मैं लाजमी रिसाइट करती हूँ तो इतनी बड़ी प्रोटेक्शन है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती लेकिन हमारे लोग मौलवियों से कहेंगे आप हमारे लिए कर दें कर दें आप मेरा तोड़ कर कर दें अच्छा अब अगर किसी को बताएं ना आप कि ये आप पढ़ाई करें इस तरह का तर्ज़ ज़िंदगी अख्तियार करें मैं कहा पहले फ़र्ज़ नमाजे तो शुरू देखिए शुर। आप वजीफे कर रहे हैं दस

अगर आपको लग गया वार्निंग सारे आ हैं, तो फ, और फिजिकल भी आ गए हैं कि आपने चींटे या चीजें या कपड़ा फटा हुआ या उसमें से खाने में से बाल निकल रहा है और रेगुलर निकल रहा, का तो मन लड़ पाए कभी कभी हो भी जा सकता है लेकिन सबसे पहले जो आपको करना चाहिए ना

सूरह बकरा जो हो चुके हैं तो तब उस वक़्त भी, उसको भी, उसको भी, ये ये जाए जाए भी और अल्लाह ना करे अगर कर बहुत ज़्यादा आप पे सिम्टम्स आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप अकेले उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते बेहतरी नहीं तो आप ज़रूर किसी ऐसे रिलीजियस स्कॉलर पढ़े लिखे लोगों के पास जो इस फील्ड में साहब इल्म है ये आमिल जिनके ये इश्तिहार लगे होते हैं जगह जगह फोन नंबर फेसबुक पे इनके पास ना जाए ये ये इंटेलेक्चुअल भी तो ये ना कि लोगों को साहब समझते हैं ऐसे कामों में नाम आप कभी इन बाबों से ना कल में ही सुन लें और आप भाई कभी भाई इनके भाई पास जाके बैठे ना चुपके से ऑब्जर्व करें एक बार भी वो दिन में नमाज के लिए उठे नहीं उठे जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता कुरान नहीं पढ़ता उसको कुरान पढ़ना नहीं आता वो मुझे बताएं कि वो कैसे साहब इम हो सकता है और उसके पास ऐसी कौन सी रूहानी ताकत हो सकती है कि वो उन चीज़ों को ठीक अच्छा बात को तो मैंने बड़े बड़े मज़े के बाद एक बार एक जगह हम इनवाइटेड थे कि बुज़ुर्ग आए हुए जी बड़े बुज़ुर्ग आए थे अब वो औरतें हमारी सबसे ज़ीफ़ुलतकदी होती है कि हम शुरू सब जाकर ना भले ही अपने मसले बताना शुरू कर देते ए हो गया लुट गई प्या खुद ही बता रहे हैं मेरी तो जेव जेठानी मुझसे पहुँच जाया सही अब आप उसके मुँह में नवाला दे रहे हैं अब सॉफ्ट हाँ, टारगेट है ना सॉफ्ट टारगेट उसको समझ आ गया कि अच्छा तो, आपके मसले ये है तो उसी पे हाँ, करो वो आप उसी मसलों को पकड़ के आपको वो करेगा सुनाता जाएगा एक औरत आ रही है दूसरी आ रही है ज़्यादातर ससुराल के मसले शोहरों को काबू करने के तरीके ज़्यादा चीज़ें और वो अच्छा अब मैं देख रही हूँ कि जोहर भी गुजर गई असर भी गुजर गई अब मगरब आके खड़ी हो गई है ये शख्स तो एक बार भी नहीं उठा तो मैंने ना ऐसी मैंने बाबा जी एक बात तो बताए बताओ दिन फैज़ तकसीम कर रहे हैं आपने नमाज नहीं पढ़ी ना जोहर की ना असर हाँ। की पुत्र मैं जरा काम कर रहा है ना मेरा जरा रहा है इतने बैठे ही मेरी नमाज हो गई बगैर उठने में ना मुझे वजू की जरूरत है ना मुझे उठने की जरूरत है અને હમશે નમાઝ ખડે હોકે પડને કે કે બેઠકે પડને કે મેને કહા તે બડી બાત હે આપ તો ફિર پیغمبرો નબિયો સે ભી ઉપર કી ચીઝ હે નાઉસ્મલ્લા નાઉસ્મલ્લા અગર રસુલે ક્રેમ સલલમ નમાઝ નહી છોડ રહે સૈસરી રાત કયામ કર રહે હે તો ફિર ઉનનો કી જરૂરત કેસી તુસી તો નાઉસ્મલ્લા સારેયા તો વਡੇ બુઝુર્ગ નિકલાયે હો જો બેઠે બેઠે નમાઝ દિલ મે પડ લેતા હે મતલબ ધીસ ઇઝ મતલબ હમારી હમ પે માપના દેખને કા किसी पे यकीन का भी को अब मैं कई ऐसे आलम दिन स्कॉलर्स को जानती हूँ और जिनसे मुझे बहुत अक़दा था और उनकी बात सुनने और मानने का दिल चाहता है क्योंकि मैंने उनको प्रैक्टिकली उनकी लाइफ में इन तमाम चीज़ों पे अमल करते थे तो मैं कहती हूँ यार पहले ख़ुद अमली देखिए रसूल करीम अलैहि वसल्लम पहले खुद अमली, अमली नमूना बने, नमुना बने। तो मैं तो कहते ना जिसने कुरान पे अमल करना है उनकी सीरत पे अमल करना जी किसी वही कुरान है हवाले ऐसी ये बातें ऑलरेडी हाँ कन्फर्म उसमें उसके बाद फिर आगे चीजें नाउस बिल्ला ऐसे तो कहीं नहीं हुआ जितने भी आप पैगम्बर और अभी देख लें हमेशा वो होते हैं जिनके अच्छे खानदानों से ताल्लुक होते हैं जो करेक्टर वाइज ऑलरेडी बहुत अच्छी शहरतर वो डाकू चुके अल्लाह कल नबी ओंडा दावेदार हो नहीं हो सकता इसलिए आपके अपने जाती चीज़ें हैं ये बहुत मैटर करती हैं आप बाबे बने हैं दूसरा एक बार क्या हुआ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य सनारी में मैं दुबई हुआ करती थी तो दुबई रही मैं पंद्रह सोलह साल तो वहाँ हमारी किसी मिलने वाली के घर

चलिए कि हैं अब सैम तक बिल्कुल स्टार्ट था वेरी यंग एज और बच्चे भी छोटे छोटे थे अब मैं ना जाके गई उन्होंने खुवान का ढेर लगा हुआ उसमें वो राजा बैठे हुए अब जब मदीना का नाम सुनते हैं ना आपके दिल में वैसे तो अगर जब मैंने वहाँ जाके देखा तो वो नक्शा तो मुझे बिल्कुल ही अपोजिट रिलेट नहीं कर बिल्कुल रिलेट ऑडियो वीडियो रिलेट नहीं कर अब वो जिस तरह खुवा के दरमियान में बैठ कर कुछ गपियाँ और अंदाज स्टाइल थोड़ी देर तो औरतें जाती रहीं वो और वो क्या वाक़ बता रहे हैं कि मेरी तो पता नहीं चार पाँच शादियाँ हैं मैं महफिल में बैठा हूँ जिस लड़की मुझे पसंद आ जाए जिसको मैं देख लूँ वो खुद चल के आते फिर मुझे शादी का कहने अरे नहीं था अच्छा मैं हूं था, अब तो बड़े टैलेंटेड आदमी हैं फिर वो खातून ने कहा कि उसके कोई बच्चे थे पहले के पहले बीवी में से वो चाहती थी कि वो बच्चे दूर हो उससे ये वो वो तरीका बता रहा है तुमने एक मेंढक लाना जिंदा मेंढक और दो तस्वीरें लानी हैं अपने हामिद की और बच्चों की एक तस्वीर लानी है और थोड़ा सा उल्लू का खून लाना है अब एक फिर कहते अच्छा जो जब वो कैसे कहा ठीक है मैं मंगवा, उसने कहा उस मेंढक को ना जिंदा कोई बीच में से दो टुकड़े करना है और वो उल्लू का खून तस्वीरों पे लगा के सड़क के एक किनारे एक तर बाप की तस्वीर उल्लू के खून और आधे मेंढक के साथ सड़क के दूसरे किनारे वो मेंढक और बच्चों की तस्वीर और उल्लू के खून के साथ दफना देना है सारी ज़िंदगी नहीं मिलेंगे बच्चे इसको उफ, मतलब आप उफ। मैं तो वहाँ देखा ना डेट वॉज माई एंड मैंने कहा ये दुआ करवाएगा मैं इससे दुआ करवाऊँ मैं इस, कर मैं इस पे लानत कि पर लानत भेज दूँगा क्या तुम लोगों ने जादूगर बैठा के बढ़ाया